गुड़ामालानी के आड़ेल पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोलपालिया नाडा नवनिर्मित पंचायत भवन का मंत्री हेमाराम चौधरी, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार विकास सारण, विकास अधिकारी नरसिंह दास, आड़ेल प्रधान प्रतिनिधि नगाराम बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य नरपत राज मूड, पीसीसी सदस्य ताजाराम मूड, पूर्व प्रधान सोहनलाल भाबू, सरपंच पद्मा देवी भील, समाजसेवी भोमाराम थोरी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत के नव निर्मित भवन के लोकार्पण व महंगाई राहत शिविर को मंत्री हेमाराम चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ ग्राम पंचायत का भवन बनने से एक छत के नीचे आमजन को सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, ग्रामीणों को काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ उठाने की बात कही। आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही मंत्री चौधरी ने अपने पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में बनाए गए वीरेंद्र धाम भवन के लोकार्पण के अवसर पर ग्रामीणों को कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। ग्रामीणों को न्योता देने के दौरान मंत्री भावुक हो गए। ये नई पंचायत भवन बनने से ग्राम पंचायत धोलपालिया नाडा के लोगों को पंचायत स्तर की जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं जो पंचायत द्वारा भी संचालित है और दूसरी भी है, उन सब योजनाओं का लाभ इस भवन के माध्यम से उन लोगों को मिलेगा। आज यहाँ पर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव शिविर का भी आयोजन था, उसका काम भी हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या है इंटरनेट की, इंटरनेट यहाँ नहीं है तो इंटरनेट जल्दी से जल्दी यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था हो, जिससे कि आने वाले समय में जो सुविधा होनी चाहिए जिसकी आज कठिनाई महसूस कर रहे हैं उस पर हम पूरा ध्यान देंगे और उसको जल्दी से जल्दी करेंगे। जो कार्यक्रम है उस मौके में सभी लोगों से मैंने निवेदन किया है कि वो उस कार्यक्रम में शामिल हो और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। वहीं महंगाई राहत शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने महंगाई से राहत पाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में नौखड़ा सरपंच विजय जाखड़, केवल चंद, रायचंद थोरी, पीराराम नागेल, रामलाल गोदारा, दम्माराम सरवण, उप सरपंच पांधी खान सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे।